मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि पहले समय में गांव में 3-4 तालाब जो नेचुरल फ्लो से जो बारिश का पानी आता था उससे भरे होते थे और वो पशुओं के पीने के काम भी आता था। लेकिन कुछ समय से, जब से हम मॉडर्न होते चले गए, समझदार होते चले गए, हमने उन तालाबों का अतिक्रमण शुरू किया और उसके अंदर जो सीवरेज का पानी, नालियों का पानी, क्योंकि हम सबमर्सिबल लगाकर 24 घंटे उस नालियों में पानी बहता है और उन तालाबों में जाता है, आज वो पीने के लायक भी नहीं रहा, पशुओं के लायक भी नहीं रहा। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार का ध्यान और जल शक्ति मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसको पुनरुद्धार करके पशुओं के पीने लायक और जो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है उसको रिचार्ज करने के काम में अगर हम करेंगे और इसको अवेयरनेस कैंपेन भी हम सब मिलकर चलाएंगे तो मैं समझता हूं कि समाज के नाते ये एक बहुत भले का काम होगा।